टेहरी तहसील में पिछले 3 वर्षों से सोयाबीन का उत्पादन लिया जा रहा है। करीब 2500 हेक्टेयर जमीन पर सोयाबीन फसल का उत्पादन लिया जाता है, लेकिन सोयाबीन की तुलना में कपास की खेती करना आसान होने और कम खर्च में अधिक मुनाफा होने के कारण किसान अब कपास की खेती करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसके कारण अब बहेरी तहसील में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों का मार्गदर्शन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अहेरी तहसील में सर्वाधिक क्षेत्र में धान की खेती की जाती है, इसके बाद कपास का उत्पादन लिया जाता है। वर्तमान स्थिति में खेती का कार्य जोरों पर शुरू है। कुल 16,840 हेक्टेयर पर खरीफ फसल की बुआई होने की बात कही जा रही है। अहेरी तहसील में सर्वसाधारण खरीफ सत्र का क्षेत्र 14,235 हेक्टेयर है। वही तहसील में 3,091 हेक्टेयर में रबी फसलों का उत्पादन लिया जाता है। इनमें तिल, मूंगफली, चना और उड़द आदि फसलों का समावेश है। मूंग और तिल का क्षेत्र 10 हेक्टेयर नियोजित है। तहसील कृषि विभाग द्वारा बीज क्षमता, बीज प्रक्रिया, खाद का संतुलन उपयोग आदि संदर्भ में ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में तहसील के अधिकतर किसान अब कपास की खेती करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के SN चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।